केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आपकी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने 6.5 वर्षों के कार्यकाल में चुनाव के दौरान दिए गए घोषणा पत्र के लगभग आधा से ज्यादा मुद्दों का समाधान कर दिया। सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान ने डेहरी के भाजपा विधायक के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने धारा 370 हो या फिर राम मंदिर, सभी का समाधान कर दिया और कुछ बाकी मुद्दे बचे हैं उसका भी समाधान केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया, 34 करोड़ लोगों का बैंक में खाता खुलवाकर उसमें सीधा पैसा जाने लगा, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि लोजपा ने यदि NDA का साथ छोड़ा तो वह कहीं के नहीं रहेंगे, लेकिन पूरा भरोसा है कि समझौता हो जाएगा। श्री पासवान ने कहा कि जनता जनार्दन केंद्र सहित बिहार राज्य में भी NDA की सरकार से खुश है और इस बार भी भारी बहुमत से देश की सरकार बनेगी। प्रेस वार्ता में उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील कुमार चंद्रवंशी, कैमूर प्रभारी राधा मोहन पांडे, जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह, जिला महामंत्री शशि भूषण प्रसाद, भाजपा के संजय तिवारी, भाजपा नगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, आनंद पांडे, भाजपा जिला प्रवक्ता प्रकाश गोस्वामी, प्यारे लाल ओझा आदि उपस्थित थे। रोहतास से रोहित सिंह की रिपोर्ट। महागठबंधन में इन दिनों जंग छिड़ा हुआ है। पहले उपेंद्र कुशवाहा गए, उसके बाद मुकेश सहनी जो बीच TC से उठ के चले गए, तो क्या कहेंगे महागठबंधन किस तरीके का, इस विधानसभा चुनाव में क्या अस्तित्व रह जाएगा? हम तो गठबंधन गठबंधन में है नहीं, इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम जिस पार्टी में NDA में है हम लोगों का कहीं भी विरोध नहीं है। हल्का फुल्का है तो समाप्त हो जाए। और रही बात पुराना महागठबंधन राजू का गठबंधन जो है उसमें लोग भद्रा रहे, जितना काम की मन होता है उनको टिकट नहीं मिला, सीट नहीं मिल रहा है, इसलिए चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लें और दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। और वो लोग अंतत्व गतवा जा करके हो सकता है कि दो ही मोर्चा चल रहा है देश में, राज्य में तीन मोर्चा बने और सारे लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे और साथ ही महागठबंधन को साथ ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। और जो महागठबंधन है वो तो बिखरने के लिए ही बनता है, बिखरना है आज नहीं कल, उनको बिखरना ही बिखरना है। यदि चुनाव बाद भी हो सकता है पहले भी हो जाए और चुनाव के बाद भी बिखर जाए, उन लोगों को बिखरना ही है, कारण उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है, राजहित में वो कोई काम नहीं करने वाले लोग। इसीलिए हम पहले बोले कि 15 वर्ष का सुशासन और 15 वर्ष का सुशासन की लड़ाई होनी जा रही है और इसमें सारा महागठबंधन जितना है वो समाप्त।